दीदी पौधे की ऊंचाई कितना होना चाहिए लगभग? भैया ये 1.5 फीट के हो गया हो ही। 1.5 फीट के? हाँ। यह पहला भाग है भैया, या दूसरा भाग है, या तीसरा भाग है? अच्छा, ये तीसरा भाग भाव से करके रस्सी से बांध देते। हाँ, फिर यह फल अच्छा रही और यह पेड़ भी इतनी पानी आई तो नहीं रखी गिरी नहीं। हाँ, हाँ। और सहारा के लाने बांध देवो तो फिर या फल भी अच्छा रही और धरती में रही तो फल सड़ जाही, कहूँ छेद है जाही, ऐसे तो बर्बाद है जाही। हाँ, बचाव के लाने ऐसे बांध ही जाता। हाँ, अच्छा है दीदी। दीदी ये झाड़ी वाले ढकरा क्यों आप गड़ाते हैं? भैया इनका यार छोटे छोटे इनकम से निकलते थे सब ये झाड़ में ऐसे लपट के और फिर फरन लगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ डंखाल वाले ढकरा नान के अरिया गड़ाए देते चढ़ के अरिया फैल ही। हाँ हाँ हाँ। दीदी ये 6 इंच की दूरी भी आप मतलब लगाते हैं? हाँ भैया, या ये 6 इंच की दूरी में लगाते हैं भैया, एक जड़ और फंस जाए कहाई में। हाँ हाँ। और फिर जैसे दीपक लग जाते ना तो लकड़ी में लगी भैया पौधे ला बचा ली। हाँ हाँ हाँ। ऐसे करके आईला ऐसे लगा फरा फिर ऐसे करके बांध देता ना ऐसे हल्का सा, इतनी इतनी धड़क जाही तो फिर एक पौधा बेकार हो जाही। हाँ हाँ। सड़ जाही, गिर जाही। दीदी ऐसे आप सभी खेत पूरे खेत में गड़ाएंगे क्या टमाटरों के पास? हाँ भैया, सब खेत में गड़ाएंगे, वो पूरा जितना पौधा है तो सब में गड़ाएंगे ऐसे। नहीं तो एक दूसरा और रही वैसे नहीं गड़ाओ तो पूरा लुढ़क जाएंगे भैया। दीदी इससे क्या लाभ होता है? एमा भैया पौधा खड़े रहने से हाँ हाँ। फूल अच्छा लगता है, फल अच्छा लगता है। हाँ हाँ। और फिर खूब से अच्छे से फल ही फल हाँ। लगी और फिर अच्छे से फूल भी तो लाभ है भैया, और लुढ़क हाँ। जाए तो बर्बाद है जाए। हाँ हाँ हाँ। दीदी किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे ये डिंडोरी जिला के सब किसान भाई ऐसे टमाटर की खेती करें भैया। हाँ हाँ। सबके लाने ऐसे लाभ हो, अच्छी एक डंखाल निकलता है, अच्छी पेड़ बनता है, अच्छी फल फूल होता है, एक फायदा ले। हाँ हाँ। सब किसान भाई ऐसे खेती करें, ऐसे डंखाल गाड़े। हाँ हाँ। ऐसे रस्सी से मेहनत करने से सब चीज मिलता है भैया। दीदी ये मेरे को बहुत अच्छा जानकारी दी है आप। हाँ, बहुत अच्छा नई तकनीकी से मतलब आप ये ढकरा गड़ाए हैं, तो दीदी आप मेरे को जो समय निकाल के इतना समय दिए। हाँ। उसके लिए दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी राम राम। दीदी राम राम भैया। राम राम भैया।